हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, इवनिंग इवनिंग, गुड इवनिंग। नेटवर्क देख लीजिए, सारे लोग, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत कम कम चीजें आ रही हैं। किरण मैम, हाँ, गुड किरण शर्मा, गुड इवनिंग इवनिंग। बोलो बोलो, शाबाश। बिमला, गुड इवनिंग। एंट्रीज किया हुआ है आपने, कुछ कहना है? सॉरी सर, गलती से हो गया। अच्छा, सर गुड इवनिंग। सुरेश कुमार बोले तो अंजना मैम, अनीता वर्मा, सुदेश शर्मा, जल्दी से जुड़ जाइए। ऐसे आराम आराम से क्यों जुड़ रहे होते हैं सारे लोग, पता नहीं, ये तो समझ नहीं आता। थोड़ा टाइम हो गया। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आज होगा आपका टेस्ट। हाँ, शीला बगला, कुछ कहना है? सर किस चीज का है? मैंने ये तो सडन सर टेस्ट जल्दी है। कर, कौन सा टॉपिक है सर? हाँ जी, जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी उसमें से कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन उठाए गए हैं, आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक, यूं कहें आधुनिक काल तक, रेडी हैं सारे? यस सर। चलिए ठीक है, फिर अब जो आएगा वो आता रहेगा, जो नहीं आएगा वो रिकॉर्डेड देख लेगा। टेस्ट के बारे में बताया था सर। बताना जरूरी नहीं था। चलिए। सरप्राइज सरप्राइज गिफ्ट है सर। है ये आपके लिए आज। देखिए, आज जो है आग का प्रबंध भी आप लोगों के लिए किया है। मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए आपको आग ऑनलाइन भेज देता हूँ आज आपके घर, है ना। खासकर जो लोग नहीं जला पा रहे हैं अपने अपने घरों में, जिनको डर लग रहा है कि काले हो जाएंगे, है ना। हाँ जी सर, बहुत ठंड है आजकल। तो चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हिंदी काव्य से रिलेटेड ये रहेगी। आधुनिक काल तक जो भी चीजें आपने आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल, भाषा वाला पोर्शन इसमें नहीं है, वो डरने वाली बात नहीं है इसमें, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है और जो आज टॉप करेगा उसके लिए मेरी तरफ से एक चॉकलेट मिलेगी। आप अपने एड्रेस जो है वो लिख देना, ठीक है। भेजोगे सर? पोस्ट करूंगा मैं, बड़े वाली ब्लैक वाली। ऑल द वेरी बेस्ट। चॉकलेट। चलो थैंक यू सर। दे दूं पोल? पोल नहीं, क्या बोलते, पहला क्वेश्चन भेज दूं आपकी स्क्रीन पे? यस जिनके सर। पास नेटवर्क नहीं है वो एक बार फिर से रीज्वाइन करके देख लीजिए। जिनके पास नेटवर्क नहीं है, स्क्रीन सबको शो हो रही है? हाँ जी सर, हो रही है। यस सर, हो रही चलिए है। देखते हैं फिर कितने लोग करते। ठीक, मराठी की जननी किसकी भाषा को कहा गया है? बहुत ही आसान प्रश्न है, मराठी की जननी किसकी भाषा को कहा गया है? चलिए देखते हैं कितने लोग करते हैं इसको। ठीक, 39 लोग क्लास में पहुंचे हैं और 60 लोग जो है अभी भी क्लास से बाहर बैठे हुए हैं, रिकॉर्डेड का मजा ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज रिकॉर्डेड देख के खुश हो जाएंगे सारे लोग। विकल्प नंबर एक है स्वयंभू, दूसरे नंबर पर है पुष्पदंत, तीसरे नंबर पर देवसेन, चौथा है नोटा। तो चलिए देखते हैं कौन करेगा आज टॉप, कौन बनेगा आज चॉकलेट पति। डिंपल ठाकुर, अनीता वर्मा, इंदु बाला, बहुत बढ़िया, बेबी चंदेल। 11 लोगों ने बोला कि भाई ए आंसर जो है इसका सही होना, बी आंसर सही होना चाहिए। चलिए, जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो कौन कौन से? 6 लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? मीना, तिलका, निशा, शो नहीं हो रहा है। देखिए, मराठी की जननी किसकी भाषा को कहा गया है, ये कहा गया था आपके जो पुष्पदंत भाई साहब हैं, इनकी भाषा को कहा गया है मराठी की जननी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये किसने कहा था कि इनकी भाषा जो रही है मराठी की जननी रही है, कौन बताएगा? शाबाश, जिसने ठीक किया है वो बताएं। डॉक्टर तगारे। हाँ, डॉक्टर तगारे ने माना कि मराठी भाषा की जननी किसकी भाषा को कहा जाएगा,
पुष्पदंत की भाषा को कहा जाता है। पुष्पदंत के बारे में कौन बताएगा और अच्छे तरीके से? आशा कपूर, पुष्पदंत के बारे में आपने क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ी? आवाज जी सर, और पहले सर ये बोलो 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 इनकी जो रचनाएं सर वो है महापुराण, नए कुमार चिरयु और yes. जसहर चिरयु। हाँ जी सर okay. और डॉक्टर भयानी ने सर इनको अपभ्रंश का भभूति का है, और शिव सेंगर ने सर इनको भाखा की जड़ का है। ठीक है ओके okay. इनकी सबसे प्रसिद्धि का आधार मतलब प्रसिद्ध रचना कौन सी है इनकी? ये है सर महापुराण। महापुराण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित मिलता है? इसमें सर 64। हाँ फिर से बताना। 63। हाँ तो 63 से ही याद रखना है, 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक है 63 महापुरुष गुणालंकार ओके, ये ध्यान रखना है आपको सर। है ना इंपॉर्टेंट है देखना। पुष्पदंत, पुष्पदंत है दूसरे प्रसिद्ध कवि अपभ्रंश के, पहला रहा स्वयंभू, दूसरे नंबर पर आएंगे पुष्पदंत। 63 महापुरुष गुणालंकार सर्वश्रेष्ठ इनकी कृति रही है, ठीक है, जिसमें 63 पुरुषों का जो है जीवन चरित्र इन्होंने रखा है। यही चीज आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। पुष्पदंत बहुत बहुत महत्वपूर्ण दीक्षित हुए। हाँ और अधिकतर रचना है मतलब जैन से ही संबंधित है, चरित काव्य जो रचा इन्होंने, यस ये चीज ध्यान रखनी है ओके। स्वयंभू और देवसेन को भी आपने पढ़ लेना है, प्रश्न कंप्लीट नहीं होंगे, नहीं तो इनके बारे में आपको वैसे पता ही है। स्वयंभू जो है अपभ्रंश के पहले कवि रहे हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। पौमचर्यु के रचयिता रहे जिसमें राम के जीवन चरित्र से संबंधित चीजें इन्होंने कही। कृष्ण काव्य भी इन्होंने लिखा अरिष्टनेमी चर्यु शीर्षक से, जो आती है इनकी देखना ऋठनेमी चर्यु जिसको कहते हैं, उसमें इन्होंने क्या है आपका कृष्ण का भी उल्लेख सबसे पहले किया है। देवसेन के बारे में आपको याद रखनी है, श्रावकाचार्य जो हिंदी की प्रथम कृति थी उसको भी याद रखना है, उसका रचना वर्ष क्या था ये भी देखिए, बाकी चीजें आती हैं इससे वो भी देखिए। अपभ्रंश में कौन सा बंद नहीं है ये वाला प्रश्न आपको करना है। देखिए विकल्प नंबर ए में सवैया है, फिर पदड़िया है, फिर गेय है, या फिर ये सभी है। चलिए देखते हैं कौन इसको ठीक करेगा। आज का जो प्रश्न है ये प्रश्न पत्र आपको सबको अटेम्प्ट करना है जो भी आए हैं, क्वेश्चन सारे लोग करेंगे इसका आंसर, है ना, ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं भी आता है वो भी कोशिश कीजिए, खाली बैठने से अच्छा है आप उसका कुछ ना कुछ आंसर जरूर करें। सुदेश शर्मा, अनीता वर्मा, बिमला देवी, बहुत अच्छे, क्या बात है, सबने ठीक किया, सबने नहीं, आधे लोगों ने ठीक किया आधे लोग गलत कर रहे हैं। हाँ 50% ही रिजल्ट आ रहा है, ऐसे कैसे पहुंचेगा हिंदी साहित्य वार्ता टॉप पे, ऐसे तो नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर होना था सवैया, सवैया नहीं आएगा ना, इसमें क्या चीज आएगी तीसरी? तीन बंद पाए जाते हैं ना अपभ्रंश में, किस किस तरह के? दोहा, पदड़िया और गेय पद, ये भी आपको प्रश्न आता है कि अपभ्रंश में किस कितने प्रकार के बंद पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं तीन प्रकार के बंद, दोहा, पदड़िया और गेय। दोहा से तो आप सब लोग जानते ही हैं, पदड़िया से क्या मतलब था, पदड़िया से क्या अभिप्राय था, बताया था आपको पदड़िया कितनी मात्राओं का छंद होता है? 16 मात्राओं का। ठीक है, और इसमें जो आपका जो पदड़िया है, इन पदड़िया छंद में जो है कितनी पंक्तियों के बाद एक धत्ता दिया जाता है, धत्ता जिसको कई जगह छात्र भी कहा, आठ पंक्तियों के बाद दिए जाने वाला धत्ता, उसको क्या फिर पूरा जो बनता है वो उसको क्या कहते हैं हम, आठ आठ पंक्तियों के बाद धत्ता देने के बाद कड़वक,
ये भी ध्यान रखना है आपको। और कड़वक की शुरुआत यहां से हो गई, लेकिन आप बाद में सूफी काव्य में भी ये चीज देखते हैं जो जायसी की रचना रही वहां पर, है ना। जायसी ने कितनी कितनी चौपाइयों के बाद दोहा रखने की परंपरा अपनाई, यहाँ पर थी 8 और जायसी ने 7। जायसी के साथ दूसरा कौन था जिसने 7 पंक्तियों के बाद जो है रखा? उस्मान चित्रावली में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, है ना। बाकी ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं इसमें, दोहा, पदरिया और गेय पद बंद, है ना। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, रास परंपरा को हिंदी में प्रवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? रास परंपरा को हिंदी में प्रवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? शालीभद्र सूरी, स्वयंभू, जिनेदत्त सूरी या फिर अब्दुल रहमान? इसका आंसर कीजिए पोल में। बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसान प्रश्न है। शाबाश। कितने लोगों ने किया आंसर? 34 लोग आंसर कर रहे हैं, 39 में से डिंपल, बिमला, नितिन कुमार, बहुत बढ़िया। 50% लोग ही कर रहे हैं ठीक, बाकी लोग कर रहे हैं इसको भी गलत। गलत बात। देखिए रास परंपरा, इसको थोड़ा सा समझना था आपने, इस प्रश्न को कहना क्या चाह रहा है ये देखिए। जो रास परंपरा और रासो परंपरा दो अलग अलग परंपरा है, यहां पर आपको एलिमिनेट करना था इसको। अब्दुल रहमान नहीं आना था, अब्दुल रहमान आप लोग जानते हैं, स्वयंभू आप लोग जानते हैं। अब्दुल रहमान में क्या चीज थी? इन्होंने लिखा प्रथम धर्मेत्र रास ग्रंथ, है ना, किसी मुसलमान द्वारा जो लिखा गया पहला ग्रंथ था ये, है ना, संदेश रासक अब्दुल रहमान ने जो लिखा था। तो यहाँ पर रास परंपरा में ये पहले नंबर पर ये तो नहीं आने थे एटलीस्ट, ठीक है। फिर जिनेदत्त सूरी और शालीभद्र सूरी बचते हैं दो नाम। स्वयंभू आपको पता है कि ये रास परंपरा के अंतर्गत नहीं रहा ये, हालांकि जैन साहित्य का इसको प्रथम कवि माना जाता है, लेकिन ज्यादातर हम इसको अपभ्रंश साहित्य में ही रखते हैं, ठीक है। शालीभद्र सूरी और जिनेदत्त सूरी, जिनेदत्त सूरी आपको पता है कि ये अपभ्रंश में सबसे पहले आता है, इसकी जो उपदेश रसायन रास थी। यहाँ पर बचा कौन? फिर बचा फिर शालीभद्र सूरी, और इनकी जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इसको माना जाता है हिंदी में रचित प्रथम रास परंपरा की कृति। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, देखना इसको आपको एलिमिनेट करके कर लेना चाहिए था, ठीक हो जाना चाहिए था आपका ये वाला प्रश्न। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए रास परंपरा में जो ऐतिहासिक प्रथम कृति रही है वो कौन सी रही है? संदेश रासक नहीं, संदेश रासक कहां से होगी? पंच पांडव चरित्र रास की रचयिता कौन है? शालीभद्र सूरी द्वितीय, उसको भी ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा जाए रास परंपरा की प्रथम कृति कौन सी है, सिंपली पूछा जाए कि रास परंपरा की प्रथम कृति जो संस्कृत में रचित है, शाबाश, और आसान कर दिया मैंने आपके लिए, यस, इसको ध्यान रखना है, रिपुदारण रास। अब मुझे एक और प्रश्न आप बताइए, जो ये रास परंपरा है और रासो परंपरा है, इन दोनों में क्या अंतर है? शाबाश। नृत्य क्रीड़ा थी ना श्री कृष्ण लीलाओं के लिए, मतलब चित्र चित्रण, ठीक है, रास परंपरा में, ठीक है। जो ये रासो थे जो रासो परंपरा में सर राजा की प्रशंसा कवि थे जो उनके और उनकी एक एक बोलो, एक 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 हैंड रेज कीजिए, किसने कहना है? शाबाश, हाँ, किसने किया है? किरण, किरण मैम, यस, किरण शर्मा, बाकी लोग ऑफ कर दीजिए। सर जो रासो परंपरा में सर राजा की प्रशंसा की जाती थी और उनकी जो वीरता का वर्णन भी किया जाता था, और इसमें सर जो वीर गाथात्मक जो जो आते थे ना सर काव्य, वो उसको इसमें पाया जाता था, इन्हें वीर गाथात्मक जो साहित्य पाया जाता था,
और रास में। सर उसमें रास में तो चलिए सर क्रीड़ा नृत्य करना और सर और जितने भी सर जैन थे ना उनका चरित्रण किया जाता था। और सर उसमें ना वीर जो गाथात्मक जो था ना सर वो इसमें नहीं की जाती थी ना ठीक है सर, ओके और ठीक प्रकृति की अच्छी बुरी चीजों को भी बताया जाता था इसमें। ओके। हाँ यही अंतर है देखना, रास परंपरा का मतलब है क्रीड़ा, जो मतलब विशेष अवसर पर इनकी जो जैन तीर्थ कर रहे हैं आप उनकी स्टोरीज वगैरह बताई जाती थी, जिसमें उसमें अच्छाई हो पराई हो है ना, और फिर आप जो है मतलब उसको कह सकते हैं कि चरित्र चित्रण, तभी तो कहा गया कि जैन साहित्य में सबसे ज्यादा जो है चरित काव्य रचा गया है ना, जितने भी आपके जैन तीर्थ कर रहे हैं उनके जीवन से संबंधित जो चरित काव्य है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। और रासो परंपरा ये आपने बता दिया जो सही चीज कह रहे हैं इसमें कि क्या वीर गाथात्मक चीजें रहेंगी, और इसी के चलते जो आपके ये क्या नाम रहा उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने अधिकतर रासो परंपरा की रचनाएं ही रखी हैं आदिकाल में, और वीर गाथात्मक चलते के उसको क्या कहा उसने वीर गाथा काल नाम भी दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल के अंतर्गत 9 कवि हैं, वह कौन सा कवि है जो इन 9 कवियों में शामिल नहीं है। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके खुद ब खुद बन गए कि ग्रियर्सन ने आदिकाल में कितने कवियों को शामिल किया है, सिर्फ 9 कवियों को किया है। और दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि कौन से ऐसा कवि है जो इन 9 कवियों में शामिल नहीं है। चलिए इसको बताना है आपको जल्दी से, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या बात है सुनीता, सुरेश एंड प्रतिभा शर्मा, बहुत अच्छे। बाकी लोग कहाँ हैं? 21 लोग कर रहे हैं भाई केदार, भट्ट केदार जो रहे ये नहीं है, ये तो गलत बात है। जो नरपति नाला है इनको नहीं रखा गया था, ठीक है ये ध्यान रखना है आपको, नरपति नाला इसमें नहीं थे। पुष्य कवि भी रहे, चंद्र, चंद्र का मतलब है चंद्रबरदाई, केदार का मतलब है भट्ट केदार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर खुमान कवि भी रखे गए जिन्होंने दलपति विजय लिखी, ठीक है सॉरी दलपति विजय की जो क्या था उसका खुमान रासो थी ना, तो दलपति विजय भी नहीं है इसमें, उसको आपने हटा देना है, ठीक है। एंड खुमान सिंह नाम इन्होंने रखा है इसमें, ठीक है खुमान सिंह, तो वो भी ध्यान रखना। बाकी कुछ एक और नाम आते हैं जैसे शारंगधर, जोधराज वगैरह कुछ एक नाम है, बाकी आप देख लें भाई, कुमार पाल भी है, तो कुल मिला के 9 अभी मुझे भी याद नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो जो थे वो यही है फिलहाल। बाकी आप एक बार इसको खुद से देख लेना कि कौन कौन से कवि हैं, है ना। तो इसका मतलब इस प्रश्न को रखने का यही था यहाँ पर कि आप लोग जो है और ज्यादा थोड़ा सा गहराई से और समझ के थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि इन्होंने 9 ही कवि रखे हैं, जिस तरीके से शुक्ल ने 12 रखे, वहां पर भी पूछा जाता है देखना कई बार कि अपभ्रंश भाषा काव्य के अंतर्गत कौन से रखे और देशी भाषा काव्य के अंतर्गत कौन से रखे। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखने हैं कि इसमें मेन मेन क्या नाम थे, है ना, जैसे दलपति विजय का नाम जो है वो इसमें नहीं रहेगा, है ना, वहां से आपको याद रखना है सीधा खुमान सिंह, मतलब ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं कि खुमान सिंह तो था, ठीक है। बाकी शारंगधर को भी दिया, एक चीज मैंने आपको बताई जोधराज, है ना, और कुमार पाल उसको भी इसने इसमें रखा था आदिकालीन कवियों में, तो ये देखना आपने। बाकी अगर कुछ छूट गए हैं उनको आप बुक से देख लीजिए, ये आपको मिल जाएंगे आपको गोविंद पांडे एंड सरस्वती पांडे वाली पुस्तक में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयचंद प्रकाश के लेखक कौन है। जयचंद प्रकाश, बहुत ही सिंपल और ये 100% क्वेश्चन सही होना चाहिए सबका, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, और ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए इसको रखा गया है, और ज्यादा आपको दिक्कत वहां यहां नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। शाबाश शाबाश शाबाश। जयचंद प्रकाश के लेखक किरण शर्मा, सुनीता ठाकुर, बिमला देवी, क्या बात है, कुछ लोग अभी भी गलत कर रहे हैं इसको, कंफ्यूजन में है क्या। हाँ एक ही तरफ जा रहे हैं, देखिए 2, 6 लोग तो बहुत ही तुक्का मार रहे हैं,
ये तो बड़ा ज्यादा तुक्का है, जो सी और डी कर रहे हैं वो तो अनएक्सपेक्टेड है, इन दोनों को तो करना ही नहीं है, ये तो थे ही नहीं इसमें, इस श्रेणी में ये दो तो आते ही नहीं है। यहाँ पर जयचंद प्रकाश के लेखक हैं, देखिए आपके भट्ट केदार है ना, भट्ट केदार, और मधुकर भट्ट की जय मयंक जस चंद्रिका, यही आती है ना, जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है, भट्ट मधुकर भट्ट की। इसके अलावा देखना चंद्रिका शीर्षक से जहांगीर जस चंद्रिका, ये किसकी है, लाल चंद्रिका, लल्लू लाल की, लल्लू लाल, लाल चंद्रिका कैसी रचना है, टीका है, बिहारी सत्सई, रामचंद्रिका, केशवदास, रामचंद्रिका के बाद कृष्ण चंद्रिका, टीका है सर, बिहारी सभी ने लिखी, कृष्ण चंद्रिका, टीका कहाँ है, वो तो कृष्ण लाल नहीं, प्रगति पत्ता में रामचंद्रिका की, ये भी ध्यान रखना है। और कृष्णलाल की टीका लिखी है कृष्ण कवि ने, जो बिहारी सत्सई पर पहली टीका मानी जाती है, देखना वो अलग है, ठीक है, ये अलग है, कृष्ण चंद्रिका अलग है गुमान कवि की। कण्हप्पा किसके शिष्य थे, कण्हप्पा किसके शिष्य थे, चलिए इसको कीजिए, डिनर कर लिया सबने, चलिए इसके बाद आप बता पाएंगे, अभी तो शायद सबका माइक ऑफ होगा, अभी किसी का माइक ऑन नहीं होगा, 15 सेकंड बाद बता सकते हैं, अगर किसी ने डिनर नहीं किया है तो वो डिनर कर लें, क्योंकि क्लास में भी थोड़ी सी आगे चली जाए, खाते खाते जो है आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य वार्ता के साथ, अच्छा लग रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रतिभा शर्मा, सुधीर शर्मा, सविता नेगी, सिर्फ 8 लोग कर रहे हैं इसको ठीक, बाकी लोग कर रहे हैं गलत, क्यों ऐसा क्यों, सिद्ध साहित्य अच्छे से नहीं पढ़ा क्या, सिद्ध साहित्य में जलंधर नाथ जो रहे ये किसके रहे, कण्हप्पा के शिष्य रहे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी गलत नहीं करना है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये वाला, है ना। तो कण्हप्पा कवित्व और पांडित्य में बेजोड़ थे, ये राहुल सांकृत्यायन ने माना है, इसके बारे में आप दूसरी चीज रखते हैं याद, कि ये सबसे ज्यादा विद्वान थे इसमें, एंड साथ ही साथ आपको एक चीज और इसके बारे में ध्यान रखनी, कि इसके अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो दार्शनिक आधार पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न ऐसा भी पूछे जाए कि सिद्धों में सबसे ज्यादा दार्शनिक कौन थे, तब भी यहाँ पर कण्हप्पा ही हो जाएगा। लुईपा जो है इनका स्थान सबसे ऊंचा था, ये आप सब लोग जानते हैं, इन्होंने 5 विकारों की बात कही है जो पंच विडाल आते हैं, कातरवर पंच विडाल, चंचल चिये पैठो काल, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये भी पूछी जाती है देखना। और इनमें कौन कौन से 5 विकार हैं, आलस्य, हिंसा, काम, मोह और चिकित्सा, है ना, ये भी ध्यान रखने हैं। डोम्भिपा, डोम्भिपा आपको पता है कि डोम्भिपा किसके के गुरु कौन रहे, डोम्भिपा इनके गुरु कौन थे, ठीक है, तो विरूपा का जिक्र ज्यादा नहीं आता है इसमें, सिंपल यहीं पर डोम्भिपा के नाम से ही इनको जोड़ा जाता है। तो सिद्धों में आपको छोटी छोटी चीजें 4-5 सिद्ध ही याद रखने हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रास परंपरा की कृति 4 कड़वकों में विभक्त है। कड़वक अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया जब हम बंद के बारे में देख रहे थे, अब यहाँ पर आई रास परंपरा की ऐसी कृति जो 4 कड़वकों में विभक्त है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन करता है इसको सही। शाबाश 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 शाबाश, सुदेश शर्मा, ललिता, बिमला देवी, अनु ठाकुर, बहुत अच्छे, बाकी लोग इसको भी गलत कर रहे हैं। तो ये है आपका, देखिए रेवंत गिरी रास, इसमें है 4 कड़वक, है ना, इसमें ये विभक्त है, जबकि अगर आप नेमिनाथ रास की बात करेंगे तो नेमिनाथ रास में 58 छंद रहे हैं, है ना। चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास किसकी रचना थी पहले तो ये बताना है आपको, नेमिनाथ रास किसकी रचना है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सुमति गणी, ठीक है। इसमें 58 छंद हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 58 छंदों में विभक्त है नेमिनाथ रास। इसके बारे में आपको बता दिया गया था, चंदन बाला रास आसगु कवि की रचना है, ठीक है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? आसगु कवि की रचना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें मात्र कितने छंद है? 35 छंद है, लिख लीजिए। इसमें देखेंगे नेमिनाथ में 58, इसमें 35, ठीक है। फिर आता है नेमिनाथ चौपाई, तो इसमें आता है विनय चंद्र सूरी, ये नाम याद रखना। नेमिनाथ चौपाई की रचनाकार कौन है? ये है विनय चंद्र सूरी, इंपॉर्टेंट कृति है देखना ये। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो क्या चीज बताई गई है, चौपाई छंद में बारहमासा का वर्णन इसमें किया गया है, चौपाई छंद में बारहमासा का वर्णन, इसको लिख लीजिए आप चाहे। नेमिनाथ चौपाई में क्या है? चौपाई छंद में बारहमासा का वर्णन, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, ये ध्यान रखना है। रेवंत गिरिराज विजयसेन तुरी जो चार कड़वकों में विभक्त है ना, इसको आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज भी, ठीक है। विजयसेन सूरी की रेवंत गिरिराज, रेवंत गिरिराज में जो जैन तीर्थकर रेवंत गिरी रहे उनका जीवन है। नेमिनाथ चौपाई और नेमिनाथ रास दोनों में क्या चीज है? नेमिनाथ का जो है इसमें जीवन वृत्त आपको मिलेगा, सिंपल सी बात, आपको यही इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो प्रश्न है यहां पर, काल ज्ञान निर्णय किसकी कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर नोटा? काल ज्ञान निर्णय किसकी कृति है? सुनीता ठाकुर, नितिन कुमार, आशा ठाकुर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सिर्फ 15 लोग ठीक कर रहे हैं। यहां पर था मत्स्येंद्रनाथ, एलिमिनेट कीजिए, ये नहीं होना था। महावीर प्रसाद द्विवेदी अभी हमने नहीं पढ़ा है ना, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं था अभी तक, तो ये तो होना ही नहीं था, नोटा भी नहीं होना था, एक आधा हो जाना था। गोरखनाथ, गोरखनाथ ने हालांकि 14 ग्रंथ इसमें लिखे हैं लेकिन वो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना था। यहाँ पर क्या था आपका? मत्स्येंद्रनाथ, कुछ पूछना है क्या? हाँ, गोरखनाथ किया आपने, ठीक है, गोरखनाथ के ये गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। और ये जो काल ज्ञान निर्णय है इसका जो संपादन किया था, ये किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। प्रबोध चंद्र बागची ने जो आपके सरप्पा रहे उनकी जो फुटकल पद रहे उनको उन्होंने किस शीर्षक से संकलित किया या संपादित किया? शाबाश, बहुत ही प्रसिद्ध है वो, गोरखबानी। गोरखबानी मैंने पूछा क्या? सरप्पा पूछा मैंने, सरप्पा कहाँ से आ गया? दोहा कोश है ना, प्रबोध चंद्र बागची आता रहता है, ये नाम बार बार देखना, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। पीतंबर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ का समय क्या बताया? ये समय तो आपको सबको बताया हुआ है, देखना यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, 101% इसका रिजल्ट सही होना चाहिए। गोरखनाथ के अनुसार इसका समय क्या है? गोरखनाथ के अनुसार नहीं, पीतंबर दत्त बड़तवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय। शाबाश 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 शाबाश, डिंपल ठाकुर, सुनीता, रोहिणी, बहुत अच्छे, क्या बात है, 20 लोग इसका ठीक कर रहे हैं, बाकी लोग थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं। देखिए पीतंबर दत्त बड़तवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय था 11वीं शती है ना। गोरखनाथ के साथ पीतंबर दत्त बड़तवाल को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि
इन्होंने जो है सबसे पहले इनकी 14 रचनाओं का जो है गोरखबाणी शीर्षक से संपादन किया था, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। और वहीं पर इनके समय के बारे में हमने पढ़ा था। नवी शति की अगर बात करें तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन और जो आपके दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी आता है, उन दोनों ने कहा इसका जो समय रहा वो क्या रहा, नवी शति रहा है। हालांकि जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने कहा कि 845 में हुआ भाई इनका जन्म, ठीक है, लेकिन जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे उन्होंने कहा कि ये नवी शति के कवि रहे हैं, है ना। लेकिन इन शॉर्ट तो यही कहेंगे कि नवी शति में ही कहा दोनों ने, ठीक है, लेकिन पुस्तकों में आपको ऐसा ही मिलेगा ये लिखा हुआ। तो आपने ध्यान रखना अगर नवी शति बोला जाए तो फिर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट 845 पूछा जाए तब फिर आपने राहुल सांकृत्यायन को करना है। जबकि रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं इनका समय 13वीं शती, इस चीज को भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इनके समय से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये क्या है जो आपका शंकराचार्य के बाद इतना मतलब लोकनायक है भाई, ये है ना इतना समृद्ध और फेमस जो कौन रहा, महिमा मानवित जो ऐसा शब्द है कि जिसने इस्तेमाल किया कि भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ शंकराचार्य के बाद जितना ये रहे, तो इंपॉर्टेंट है देखना, अपने समय का बहुत बड़ा नेता इन्होंने इसको कहा है, ये चीज भी आपको याद रखनी है पीतम्बर दत्त सॉरी गोरखनाथ के बारे में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक किसने माना, ये वाला प्रश्न है, कर्नल टॉड है, ग्रियर्सन है, शुक्ल है या इनमें से कोई नहीं। चलिए ये प्रश्न भी आपको बताया हुआ है, बकायदा ट्रिक के जरिए बताया है कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि किस किसने माना कि ये प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। शाबाश, जो चीजें आज तक आपने पढ़ी उन सब चीजों को आज थोड़ा सा फिर से देखने का टाइम था, इसलिए आप इसको देखते रहिए कि क्या क्या चीजें हैं जो हमने अभी तक देखी हैं। डीके वर्मा, सुनीता ठाकुर, अनीता, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया है, ये हो गया अनएक्सपेक्टेड, इतना कम स्कोर यहां पर था, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर बुलर, नाम सुना होगा आपने इसका, ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय, जयानक कवि की एक रचना आती है उसके आधार पर 1875 में सबसे पहले इसको अप्रमाणिक घोषित किया था, है ना। जो लोग शुक्ल कर रहे हैं वो लोग एक बार फिर से पढ़िए इसको, शुक्ल ने इसको अप्रमाणिक माना लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले माना उसने, है ना। ये सबसे पहले किसने माना, डॉक्टर बुलर ने माना था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो कर्नल टॉड है उन्होंने बोला कि ये प्रमाणिक है, जबकि ग्रियर्सन ने इस संबंध में कोई भी चीज हमें नहीं मिलती ऐसा कि ग्रियर्सन ने उसके बारे में कुछ चीजें कही हैं। बाकी अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन प्रसिद्ध लेखक हुए जिसने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पुरुष परीक्षा के लेखक कौन रहे, पुरुष परीक्षा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये और सब लोगों का आंसर इसमें ठीक होना चाहिए, ये आपको पढ़ाया हुआ है और पढ़ा हुआ भी है आपने, बशर्ते याद कितने लोगों को रहा है ये याद रखना है बस। शाबाश, पुरुष परीक्षा के रचयिता कौन है, सुनीता ठाकुर, डी के वर्मा, आशा कपूर, बहुत अच्छे, पुरुष परीक्षा के हैं विद्यापति। जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग ठीक कर लीजिए इसको, है ना, बताया हुआ है। और अगर आपको पूछा जाए पुरुष परीक्षा की भाषा क्या रही तो क्या आंसर होगा फिर, मैथिली? नहीं, मैथिली नहीं, मैथिली में एक ही रचना रही, संस्कृत। पुरुष परीक्षा संस्कृत में रची गई है। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको सिंपली आपने एलिमिनेट करना था, कैसे करना था, ज्योतिरीश्वर ठाकुर इसकी एक ही रचना पढ़ते हैं, देवसेन की आपने पढ़ी हुई रचनाएं हैं, गोरखनाथ, गोरखनाथ की इस तरीके की आपको कोई रचना नहीं मिलती है, 14 रचनाएं हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि उसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है जब आप ऐसे प्रश्न करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न आते ही होंगे सारे, और ऐसा कभी भी नहीं होता, देखना जब भी आप MCQs टाइप क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर मैं समझता हूँ कि 50% से ज्यादा तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें अपना सेंस का इस्तेमाल करके करने होते हैं, अगर तो सारे ही आगे फिर तो रहा ही क्या ना, वही तो चीज है।
तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन करना सीखना है बस। जब आप ये चीज सीख जाएंगे आप सही से अपने क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और मैथिली में रचित इसकी रचना कौन सी है, देखिए पदावली एक ही रचना है, हालांकि दूसरा जो नाटक है इन्होंने वो भी पदावली के बाद इन्होंने मैथिली में लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो गोरक्ष विजय के नाम से इनका एक नाटक भी रहा है, ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है ना। और ये दोनों में है वैसे, मैथिली और संस्कृत में दोनों में ही रचित है, गद्य संस्कृत में है और पद्य भाग जो है वो मैथिली में है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको इसके बारे में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है, ये बात मैंने आपको बताई भी थी। Hello? विद्यापति हाँ यस यस सर, सर नेटवर्क की बहुत दिक्कत आ रही है, जब तक के लिए वो करता है ना। अब मैं क्या करूं फिर, नेटवर्क तो मैं नहीं दे सकता यहाँ से। फिर ऐसे सुन लो, फिर वैसे सुन लो, जितना जितना होएगा वो ठीक है, बीच में फिर। हाँ हाँ जितना जितना हो रहा है उतना कीजिए, अब बाकी तो अब इतना ही हो पाएगा मुझसे, है ना। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है, इसका आंसर आपको करना है पोल में। यहाँ पर इनकी सारी की सारी रचनाएं रखी गई हैं, इनको आप देख लीजिए कि इसमें क्या आंसर होगा, ये आपको बताए हुआ है, बताए हैं सारे प्रश्न देखना। आपने साथ में रिवीजन नहीं किया है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, रिवीजन तो करना चाहिए था। देखना है आज की चॉकलेट कौन ले जाएगा। डिंपल ठाकुर, अनीता, किरण शर्मा, बहुत अच्छे, क्या बात है, ये प्रश्न सबने ठीक किया हुआ है। अपनी किस कृति को कहानी कहा, तो ये कहा था कीर्ति लता के लिए। हाँ सोनिका कुछ कहना है, सोनिका ठाकुर बोलो बोलो, शाबाश, हैंड रेज कर रहे हैं आप, फिर से कर लिया सोनिका, नहीं कहना कुछ, चलिए कोई बात नहीं। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है, ये कहा है कीर्तिलता के लिए। और इस संदर्भ में इनकी एक पंक्ति भी आती है, पुरुष कहानी हो कहो, ऐसी कुछ एक पंक्ति है ना, उसको भी ध्यान रखना, वहीं से हमें पता चलता है कि ये क्या है, अपनी रचना को कहानी कहते हैं कीर्तिलता के लिए, ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी चीजें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी, इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं, सिंपल सी बात है। भला हुआ बहिनी जो मरिया महारा कंतु, किस रचना की पंक्ति है, भला हुआ बहिनी जो मरिया महारा कंतु, किस रचना की पंक्ति है। इस प्रश्न को गलत कौन करेंगे ये देखना है, सही तो सारे करेंगे, गलत कौन करेगा ये देखना है। शाबाश शाबाश शाबाश, आशा कपूर, वर्षा, भावना कुमारी, देखा मैंने बोला था इसको गलत कौन करेंगे, तो जिन लोगों ने गलत कर दिया उनको पता मिल गया अपना जवाब, है ना। क्या था इसका आंसर, हेमचंद्र की करें, हेमचंद्र की कौन सी रचना, ये तो नहीं पता, पर मुझे पता है हेमचंद्र कौन करा था, मैंने शब्द अनुशासन, वही तो गलती थी, वही तो गलती थी, ये किसकी रचना है, ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये किसकी रचना, ये किसकी रचना है, फिर से सोच लो एक बार, हाँ तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, विकल्प नंबर डी होना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि इस प्रश्न को गलत कौन करेगा, क्योंकि हमें पता है हेमचंद्र की यहाँ पर रचना रखी गई है शब्दानुशासन, और आपको जाल बिछाया गया था और उस जाल में आप फंस गए, बहुत अच्छी बात है।
ये किसकी बताई शब्दानुसार की नहीं है? हाँ है इन्हीं की रचना, लेकिन ये जो पंक्ति है दूसरी रचना है। अरे सर पंक्ति से तो धोखा हुआ, मैंने हेमचंद्र करके याद रखा था, भला हुआ। चलिए अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे, है ना, तो ये ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वसंत विलास किस शती की कृति है? वसंत विलास देखिए, एक चीज तो तय है कि वसंत विलास जो है ये आदिकालीन रचना है ना, क्योंकि सारे ऑप्शनों से पता चल रहा है कि आदिकाल में ही लिखा गया होगा। 1050 से लेकर के 1375 तक आदिकाल रहा, तो मतलब इसी के बीच की होगी, है ना, इतना तो तय है, मतलब कि 14वीं शती तक, 15वीं तो है नहीं ऑप्शन, चलिए ये मैंने बता दिया, डी तो नहीं है। बावजूद इसके अगर डी करेंगे कोई तो वो फिर डांट खाएगा। मैं देखूंगा डी किसने किया है भाई, बाकी लोग नहीं मैंने देखे। सोहन, बेबी चंदेल एंड शीला, बहुत बढ़िया। हाँ शुक्र है डी किसी ने नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर था 13वीं शती, ठीक है, 13वीं शती की रचना रही है ये, इसको आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति है आपकी, देखना वसंत विलास। तो वसंत विलास में कितने दोहे रहे हैं ये चीज भी आपको पूछी जा सकती है किसी को बता वसंत विलास में कितने दोहे थे? 84 दोहों में रचित है। हाँ 84 दोहों की श्रृंगारी रचना है, देखना इसमें जो स्त्रियां वगैरह रही हैं उनका उल्लास दिखाया गया है, या हर्षोल्लास जो है बसंत ऋतु में उन्होंने करते थे उसको चित्रित किया गया है इसमें, और इसके रचनाकार अज्ञात हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, देखना लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। लौकिक साहित्य में आदिकाल में सिर्फ एक दो ही चीजें आती हैं, दूसरी जो लौकिक साहित्य की कृति है ये आपकी ढोला मारूरा दूहा, ठीक है, लोक साहित्य के अंतर्गत जो आती हैं उसको भी आपको याद रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ढोला और मारवाणी की प्रेम कथा है। इनकी गर्भोक्तियां खटकती नहीं बल्कि उचित जान पड़ती हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है कि इनकी जो गर्भोक्तियां हैं वो खटकती नहीं बल्कि उचित सी जान पड़ती हैं? किसी को इसके बारे में पता है तो वो हैंड रेज करें, नहीं तो तुक्का मारने से अच्छा है कि अगले प्रश्न में हम बढ़ जाएंगे। शाबाश, क्या किसी को पता? कोई नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर सेनापति की होगी ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सेनापति के बारे में इसने कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये वाली बात, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लाइन अच्छी थी इसलिए इसको यहाँ पर रख दिया गया है। हो सकता है ऐसे ऐसे प्रश्न आपको कभी कभार पूछ लिए जाए, है ना। बाकी सेनापति से आपको पता है कि सेनापति जो है आपके राम भक्त कवि भी रहे हैं और रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत भी इनको लिया जाता है, ये चीज भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िए। एंड साथ ही साथ इनका जो प्रिय अलंकार था वो मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा है। और इनके संबंध में शुक्ल ने एक महत्वपूर्ण कथन और कहा है, जो कौन सा है? ऋतु वर्णन के बारे में। हाँ ऋतु वर्णन के बारे में, कि इनका ऋतु वर्णन मतलब इनके जैसा किसी ने नहीं किया, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वो वाली लाइन भी है, लेकिन इस लाइन को भी उसमें आपने ऐड कर लेना है। और राम काव्य से संबंधित इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? कवित्र रत्नाकर, ठीक है, वो भी ध्यान रखनी है। दान लीला किसकी कृति है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये सबका ठीक होना चाहिए। दान लीला किसकी कृति है? ये तो सबका ठीक होना चाहिए, जो गलत करेगा वो बैकफुट में जाएगा, है ना। दान लीला किसकी कृति है? शाबाश शाबाश शाबाश, दान लीला के लेखक कौन रहे? सुनीता देवी, डी के वर्मा एंड शीला, बहुत अच्छे, 20 लोग कर रहे हैं ठीक, बाकी लोग कर रहे हैं गलत। तो ये दान लीला है रसखान की रचना, ठीक है, बहुत ही सिंपल रचना थी ये, लिखना दान लीला नंददास की, आपको पता है इसने विरह मंजरी से 4-5 रचनाएं लिखी हैं, विरह मंजरी नहीं सॉरी मंजरी शीर्षक से 4-5 रचनाएं इसने लिखी हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने 2 पंचाध्यायी लिखी, सिद्धांत पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, कुछ इस तरीके से सुदामा चरित, ऐसी ऐसी इनकी रचनाएं रही हैं जो इंपॉर्टेंट है।
बाकी दान लीला शीर्षक से वहां पर वैसे इंपॉर्टेंट इनकी नहीं आती ऐसी रचना। ठीक है, रहीम, रहीम के बारे में आपको सबको पता है, इसकी मदनाष्टक रही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैट कौतुकम जातकम रही, उसके अलावा नगर शोभा रही, नगर शोभा के अलावा दुहा बली रही, बरवे नायिका भेद रही, ये रहीम की रचनाएं हैं। ठीक है, बचा आपका रसखान, तो रसखान में आपकी आती है ये कौन कौन सी, दान लीला, प्रेम वाटिका और सुजान, सुजान शीर्षक से भी रही, सुजान विनोद या कुछ और, ये देखनी है आपको, है ना, देखना इसको कि कौन कौन सी कृतियां इसकी हैं। इसके अलावा इसने अष्टयाम भी लिखा है। ठीक है, तो अष्टयाम में क्या क्या चीजें आती हैं, ये प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा, कृष्ण काव्य में अष्टयाम में कौन कौन सी चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वहां पर मंगलाचरण से लेकर के शयन तक जो भी चीजें आती हैं सारी की सारी याद होनी चाहिए आपको। किस संत कवि का जन्म स्थान जयपुर में है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, ये भी आपको बताया हुआ है, किस संत कवि का जन्म स्थान जयपुर में है। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे लगी है भूख। शाबाश शाबाश शाबाश, डिंपल ठाकुर, सुदेश शर्मा, शीला देवी, बहुत अच्छे, बहुत लोग इसको गलत कर रहे हैं। शिखा मेहता ठीक कर रहे हैं, आशा कपूर बहुत बढ़िया, ओके रोहिणी। तो ये थे देखिए आपके सुंदरदास, है ना, इनका जन्म स्थान जयपुर में। मलुकदास का कहाँ रहा, इलाहाबाद। ठीक है, और दादू दयाल, शाबाश शाबाश, अहमदाबाद, वैदास, अहमदाबाद, अष्टछापी कवियों में सबसे गृहस्थ कौन था, गृहस्थ, अष्टछापी कवियों में गृहस्थ कौन था, ये प्रश्न आपको पता है लेकिन आप इसको गलत ना करें, बस मुझे यही डर है। शाबाश शाबाश शाबाश, देखते हैं इस प्रश्न को कौन कौन ठीक करते हैं। अष्टछापी कवियों में सबसे गृहस्थ कौन थे, सूरदास, गोविंद स्वामी, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, मुझे तो ए लग रहा है, बाकियों को पता नहीं, ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं मेरे साथ कितने लोग हैं, आशा ठाकुर, सुनीता, शीला देवी, क्या बात है, 21 लोग जो हैं, ओहो मेरे साथ एक भी नहीं आया, क्या बात है, मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है किसी को भी, है ना, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। पर आपके फोन पे तो है सारी। कुंभनदास ये रहे सबसे ज्यादा गृहस्थ, इन्होंने क्या कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत बने या टूटी बिसरी गयो हरि नाम, है ना, बड़े चिढ़ गए थे ये अकबर से कि मुझे वहां पर बुला लिया, किया धरा कुछ भी नहीं, है ना, तो ये मतलब इधर उधर जाने में विश्वास नहीं रखते थे। और दूसरी चीज इनके बारे में ये भी ध्यान रखनी है आपको, ये क्या मानते थे, ये मतलब कीर्तनकार के रूप में नियुक्त हुए थे यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइए अष्टछापी कवियों में अधिकारी कौन था, कृष्ण, और कुएं में गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, पुंछरी नामक स्थान से किसका संबंध रहा, पुंछरी, चित स्वामी सर, चित स्वामी का, महावन से किसका संबंध रहा, महावन, महावन, शाबाश, महावन एक जगह रही ना, गोविंद स्वामी लिख लीजिए इसको भी, गोविंद स्वामी, अरेला, अरेला भी रहा एक स्थान, वहां पर किसको मिला, मतलब क्या, परमानंद, परमानंद दास, ठीक है ये भी ध्यान रखना है। चलिए अनुराग बांसुरी का रचना वर्ष क्या है, ये प्रश्न तो अब आपको आना चाहिए भाई, ये प्रश्न तो आना चाहिए, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, सारे लोग कीजिए जवाब इसका दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए प्रारंभिक रचनाएं हम सबको याद हैं,
आखिरी आखिरी रचना है, किस किस को याद है जो सूफी काव्यात्मक कृतियां हैं, ठीक है, ये देखना यहां पर दिलचस्प रहेगा। रात हो गई है एंड लोग सो गए हैं, लेकिन आप अभी भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। डिंपल ठाकुर, प्रतिभा शर्मा, शीला, बहुत बढ़िया, 11 लोग ही ठीक कर रहे हैं, क्या बात है। डेट्स वाले प्रश्न आपको अभी याद रखने हैं, मतलब 1613 में उस्मान की चित्रावली, ठीक है, 1619 में ज्ञानदीप शेख नबी की, ठीक है, 1744 में अनुराग बांसुरी, जिसने लिखी थी उसी ने लिखी है, कौन सी रचना है जल्दी बताइए दूसरी, शाबाश, इंद्रावती। 1764 राइट आंसर, अनुराग बांसुरी, ठीक है, अनुराग बांसुरी 1764 याद रह जाएगा। उस्मान की चित्रावली कब है, 1613, 1619 में ज्ञानदीप, 1744 में इंद्रावती, साथ ही साथ प्रारंभ से देखेंगे 1370 में, जल्दी बताइए 1370 में कौन सी आई, हंसावली, 1501 में सत्यवती कथा, मृगावती, 1540 में, 1545 आपको ध्यान रखनी है, और ये चारों मतलब आठ है, ये लिखना, ये आठ की आठ आपको ध्यान में रखनी है, बाकी इतनी ज्यादा जरूरी यहाँ पर नहीं है, मतलब यही आपको क्रमानुसार लगाने को आती हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए मधुमालती शुक्ल के अनुसार, तो वो पहले कर देनी है और पद्मावत बाद में कर देनी, यही अंतर है, बाकी चीजें वैसी रहेंगी। श्री संप्रदाय की गद्दी कहाँ है, चलिए इसको देखते हैं कितने लोग करते हैं। श्री संप्रदाय की गद्दी, ये भी आपको बताया हुआ था, शाबाश, श्री संप्रदाय की गद्दी कहाँ है, चलिए देखते हैं कितने लोग कर रहे हैं इसको ठीक। श्री संप्रदाय की गद्दी कहाँ थी, प्रतिभा शर्मा, डीके वर्मा, अनीता, बहुत अच्छे, 14 लोग ठीक कर रहे हैं, आधे लोग गलत कर रहे हैं, क्या बात है। श्री संप्रदाय की गद्दी थी तोताद्री में, तोताद्री था सर, आपने तोताद्री लिख दिया, समझ नहीं आया, ये जो है ये टाइपिंग के वक्त थोड़ा सा गलत हो गया, तोताद्री आ ही नहीं रहा था, मैंने फिर ऐसे ही रख दिया, चलो ऐसे ही रखता हूँ इसको, तोताद्री था इसका, अगर किसी ने तोताद्री पढ़ के गलत किया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ध्यान रखना था कि तोताद्री ही होना था इसका मतलब, ठीक है। रहवासा में किसने की स्थापित अपनी गद्दी, रहवासा में अग्रदास का संप्रदाय कौन सा था, शाबाश, अग्रदास का संप्रदाय राम काव्य में रसिकपन उसने लाया था, और इसलिए रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक उसको माना गया। और जो आपके अग्रदास थे, ठीक है, अग्रदास को क्या कहा जाता है, मतलब किस उसने स्वयं को किसकी सखी माना, सीता की। Okay. और जो नावादास रहे, नावादास ने क्या कहा उसको, बाग बगीचों का कवि या प्रेमी कवि, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गलता में किसकी ये गद्दी रही, गलता में रामानंद संप्रदाय गलता अजमेर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने स्थापित की यहाँ पर ये, कृष्णदास पहारी किसके शिष्य रहे, अग्रदास। कृष्णदास पहारी किसके शिष्य थे, अनंतानंद के कृष्णदास प्रहारी के कौन हुए, अग्रदास सर, ये नाभादास, कृष्णदास सर प्रहारी। क्या बोल रहे हैं आप, एक-एक बोलो, किल्हादास। तो फिर कृष्णदास किस, वो किसका था जो कृष्णदास प्रहारी था, वो किसका शिष्य हुआ फिर, अनंतानंद के शिष्य थे वो तो। हे भगवान ऐसा नहीं था सर, एक एक बताइए, माइक ऑफ कीजिए, जिसको मैं पूछूंगा वो बताएंगे,
अनु ठाकुर नाम से। यस सर। आप बताइए, रामानंद से बताइए, बताऊं किसका शिष्य? रामानंद से शिष्य परंपरा बताइए। रामानंद सर, कबीर, कबीर और अनंतानंद। ठीक है, राम कृष्णदास प्रहारी, उसके बाद फिर अग्रदास, फिर नाबदास। नाबदास ये कीला दास कहाँ है? मुझे कीला दास चाहिए बीच में, आप कीला दास को छोड़ रहे हैं, वो बताइए मुझे। सर ऐसा नहीं था, पयहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास और कीला दास महत्वपूर्ण है। तो आपने पहले कहाँ बताया? पहले तो बताया नहीं आपने। ऐसे ही बताया सर, मैंने ऐसे ही बताया था पहले भी, क्योंकि आपने लिखवाया था ना रामानंद के शिष्य हुए अनंतानंद, अनंतानंद के आगे शिष्य हुए कृष्णदास पयहारी। हाँ। फिर पयहारी के शिष्य परंपरे में आगे आए अग्रदास और कीला दास, और कीला दास ने जो तापसी शाखा का उदय किया था, इस तरह से बताया था कुछ। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। देखना, ये परंपरा आपको क्रम अनुसार लगाने को आएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। महावंश से अभी हमने बताया कि किसका संबंध है, यहाँ से गोविंद स्वामी का, भूल गए। अनुराग रतन किसकी रचना है? जल्दी जल्दी कीजिए, चार प्रश्न और बच गए अभी, भूख लगी अब तो। अनुराग रतन किसकी रचना है? चलिए, ये अभी तक पढ़ा ही नहीं हमने वैसे, चलिए ऐसे देखते कि कितने लोगों ने इसको किया है। चलिए आपको मैं हिंट देता हूं, द्विवेदी युगीन कवि है। अब आपको फिर से सस्पेंस है यहां पर कि द्विवेदी युगीन कौन सा है, अब इसमें ये देखना है। चलिए अब तो ठीक कर लो, द्विवेदी युग मैंने बता दिया, द्विवेदी युग के कवि कौन है ये आपको अब देखना है। इतना कर तो पता होना चाहिए सबको, पीजीटी की तैयारियां कर रहे हैं, है ना। शाबाश शाबाश शाबाश, जो लोग एलटी कमीशन में था साथ में उनको तो पता ही होगा, है ना। डीके वर्मा, बिमला देवी, अनीता वर्मा, बहुत बढ़िया, क्या बात है शिखा, गुड। यहाँ पर ये है अनुराग रतन, मतलब बोले तो नाथुराम शर्मा शंकर की रचना। नाथुराम शर्मा शंकर की प्रसिद्धि का आधार गर्भरंडा रहस्य, उसको भी ध्यान में रखना। नाथुराम शर्मा शंकर को कुछ एक उपाधियां मिली है, उनको भी याद रखना है, भारतेंदु प्रज्ञा वगैरह वगैरह, है ना, साहित्य सुधाकर वगैरह वगैरह, उनको देख लेना आपने कि क्या क्या इनको रही है। साथ ही साथ गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये भी रहे आपके द्विवेदी युगीन कवि। बाकी केदारनाथ सिंह और भारत भूषण अग्रवाल कहाँ कहाँ के हैं ये आपको बाद में देखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा अभी, है ना। वैसे याद रखना है केदारनाथ सिंह जो है ये तीसरा सप्तक के रहे, और भारत भूषण अग्रवाल जो है ये जो तार सप्तक है, खाली तार सप्तक, उसके लेखक रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। केदारनाथ सिंह इंपॉर्टेंट है और भारत भूषण अग्रवाल भी महत्वपूर्ण नाम है एक हिंदी साहित्य में, लेकिन इतना ज्यादा ये तार सप्तकों में पूछा जाता है उसको वहीं पर, बाकी ज्यादा प्रश्न इससे नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु किस संप्रदाय में दीक्षित थे, ये आपने कल ही पढ़ा है। चलिए इसको देखते हैं कौन गलत करेगा, देखिए मैं कितना उल्टा बोल रहा हूं, गलत करेगा सही करेगा। भारतेंदु किस संप्रदाय में दीक्षित थे? शाबाश शाबाश शाबाश, पांच लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, 33, बहुत अच्छे, दो लोग अभी भी नहीं दे रहे हैं। चलिए भारतेंदु के संप्रदाय में अनीता, रोहिणी और सुनीता कर रहे हैं कि अच्छा जी ये थे वल्लभ संप्रदाय, बहुत बढ़िया, लगभग सब लोगों ने ठीक आंसर किया है इसका, लेकिन कुछ लोग अभी बीच में हैं जिन्होंने शायद कल का लेक्चर नहीं लगाया है, वो लोग एक बार फिर से देखिए कि भारतेंदु किस संप्रदाय में दीक्षित रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, इसको भी ध्यान में रखना है। द्विवेदी युगीन नहीं है, तो यहाँ पर ये जो सभी हैं ये द्विवेदी युगीन नहीं है। नवनीत चतुर्वेदी भारतेंदु मंडल के जो कवियों में नहीं आते हैं, मतलब भारतेंदु युगीन कवि हैं ये ध्यान रखना है आपको इनके बारे में। एंड सियाराम शरण गुप्त, ये आपके बाद के हैं जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवधारणा में आता है, इनके ऊपर जो गांधीवाद का प्रभाव रहा ये ध्यान रखना है। अंबिकादत्त व्यास, ये रहे आपके भारतेंदु युग के कवि, ठीक है, इन्होंने सुकवि सतसई लिखी जिसके बारे में हमने पिछले कल पढ़ा था, और समस्या पूर्ति इन्होंने की है महारानी विक्टोरिया के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना था। एंड साथ ही साथ इनके बारे में हो होरी और बिहारी बिहार शीर्षक से भी इन्होंने कुछ रचनाएं रची हैं, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सुकवि की इनको उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर
चलिए समस्या पूर्ति, इतिवृत्तात्मकता, सामाजिकता, रहस्यवादिता में इसी क्रम से तीसरे स्थान पर क्या आएगा, ये कल आपको बताया था। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने लोग ठीक करते हैं। समस्या पूर्ति, इतिवृत्तात्मकता, सामाजिकता, रहस्यवादिता में तीसरे क्रम पर कौन सा आएगा। चलिए तीसरे क्रम पर पूछा गया है, देखना। इसको देखते हैं कितने लोग ठीक करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। सुरेश कुमार, रोहिणी, फूला ठाकुर। सर सर ए आना था, मेरा सही हुआ क्या? ए आना था सर, मेरा भी गलती आ गया था ना। रहस्यवादिता, पहले समस्या पूर्ति, फिर इतिवृत्तात्मकता, फिर रहस्यवादिता, फिर रहस्यवादिता, फिर समाजिकता। मेरा सही हुआ सर, मुझे पता नहीं, मेरा समस्या पूर्ति हो गया। अब जो हो गया सो हो गया, है ना। अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुप गई। नहीं सर, नेटवर्क इतनी दिक्कत है ना, जितने को मतलब ओके करने लग जाते हैं कहीं पॉज हो जाता है, कभी वैसे हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चल पाता, कभी प्रश्न आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। भीजत कब देखो इन नैना, भीजत कब देखो इन नैना किसकी पंक्ति है? श्री भट्ट, सूरदास, गदाधर भट्ट, हित हरिवंश। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करेगा ठीक। शाबाश शाबाश शाबाश। पंक्तियां मैंने आपको कहा था कि पंक्तियां आपको खुद से याद रखनी है। अब किस किस ने याद रखी? इंदुबाला, आशा और तिलका ने। ये भी पता नहीं याद रखी है या फिर तुक्के से हुआ है। अगर ये सच्चे होंगे तो खुद बता देंगे, नहीं होंगे तो फिर नहीं बताएंगे। चलिए श्री भट्ट था इसका सही आंसर, श्री भट्ट, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, देखना ये वाली पंक्ति, पंक्ति तो कोई भी पूछी जा सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वाली पंक्ति को याद रखिए, उस वाली पंक्ति को याद रखिए, कहीं से भी कुछ भी चीज उठाई जा सकती है। लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट पंक्तियां होती हैं, उनको आपने रखना। मेरे अनुसार ये मुझे लगा कि इसको आज डाल देता हूं। पहली पंक्ति थी, देखना आपकी बुक में अगर कहीं पर है, है ना, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वहां से आप इसको रखा गया था आपके लिए, तो ये देख लेना आपने। तो देखिए श्री भट्ट जो रहे, ये रहे आपके निम्बारक संप्रदाय के लेखक, ठीक है, या निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित। सूरदास वल्लभ संप्रदाय में थे। गदाधर भट्ट ये आपके चैतन्य संप्रदाय में आते हैं। और लास्ट वाला जो हित हरिवंश, ये आते हैं आपके राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के प्रश्न, और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। तो ये मैं हूं और ये आपकी क्लास है। आखिरी प्रश्न आपके लिए ऐसा है कि इस प्रश्नोत्तरी को देने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लगा? अभी मजा, अभी सर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है सर। अच्छा तो लगा, लेकिन जब आंसर कर रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि कहीं पढ़ाया है आंसर, ये है, ये ये है, ये है, ये है, कोई कोई याद रहता है सारा कन्फर्म। चलिए ठीक है, मतलब पजलिंग है, इसीलिए था ये, ताकि आप एक बार फिर से पहले की चीजों को फिर से पढ़ें, कि जो चीजें अभी तक आपने पढ़ ली उनमें आप कितने परफेक्शन के साथ तैयार हैं अभी एग्जाम के लिए। मान लीजिए एग्जाम इस लेवल का अगर आ गया तो फिर हमारी तैयारियां कैसी हैं, ये चीजें आपको देखनी है। तो क्या लगता है किसने चॉकलेट ली है? कौन कौन बताएगा अपना स्कोर? ये तो किसी को भी पता नहीं था बिमला, ये तो किसी को भी पता नहीं था। आपने ऐसे सरप्राइज टेस्ट लिया करो, सरप्राइज ही था ये तो। सर कोई फर्म बनवा रहे करो हाँ, किसके पास जाएगी चॉकलेट? आपने बदला ले लिया अपना सर, आपने बदला ले लिया अपना उस दिन का। हाँ मैं तो लूंगा भाई, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन का बदला तो लेना था, वो तो जरूरी था। उस दिन आपने मुझे बोला कि हम आएंगे और
क्लास में पहुंचे आठ लोग, सॉरी 12 लोग। सर हम तो आए थे सर। चलिए ठीक है, जो लोग आए थे वो अच्छी बात है। फिर से देखिए इन क्वेश्चंस को एक बार और इनसे कोशिश कीजिए बनाने की, बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। वैसे आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के इस सेशन को और मजा आया काफी आज, है ना। आपके जो ज्ञान इंद्रियां हैं शायद थोड़ी सी खुल गई होंगी, है ना। यस सर, बिल्कुल सर, खुल गई। चलो आपके अचानक टेस्ट ना फिर से भी दे देते हैं। हां जी हां जी, कल मिलेंगे फिर ठीक 9 बजे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक सब लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, शुभ रात्रि, शब बखैर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।